हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 95% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, यानी कि कब्ज की शिकायत रहती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वाकई में उनको कब्ज की शिकायत है। देखिए, कब्ज होती क्या है आज मैं आपको ये बताती हूँ। कब्ज को कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी मैं आज आपको बताऊँगी। एक्यूप्रेशर के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कब्ज क्या होती है। जब हमारी आंतों में से मल बाहर निकलता है तो उसे कहते हैं मल का बाहर निकलना। लेकिन जब हमारी आंतों की सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है, यानी कि उसमें मल रह जाता है, तब हमें कब्ज की शिकायत होती है। कब्ज किस तरह से पहचानी जाती है कि आपको कब्ज हो रही है। देखिए, हफ्ते में 3 से 4 बार ही शौच के लिए जाना, ये कब्ज का एक लक्षण है। कब्ज में आपको जो शौच है वो सही से नहीं आएगी, या लगेगा आपको जैसे कि आपने खाना खाया हुआ है जबकि आपने उस टाइम तक कुछ भी नहीं खाया हुआ है। दूसरी चीज ये है कि जब कब्ज होती है तो जो शौच है वो कई बार बहुत ज़्यादा टाइट आती है, आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ये सभी कब्ज के लक्षण हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मल है उसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए, मल जो है वो 7 तरह की होती है, और वो कौन कौन सी होती है चलिए आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आती है कि जो मल होती है वो अलग अलग तरह से सख्त गांठें आती हैं। दूसरा, सॉसेज की तरह होती है लेकिन लगातार आती रहती है। तीसरा, सॉसेज की तरह होती है लेकिन उसकी जो सतह होती है उस पर दरारें होती हैं। एक होती है सांप के जैसी होती है लेकिन चिकनी होती है, जो कि बड़े आराम से आ जाती है। पांचवी होती है आसानी से, जो आराम से आ जाए, आसानी से आ जाए, ऐसा भी एक तरह का मल होता है जो कि कब्ज की गिनती में बिल्कुल भी नहीं आता है। छठी होती है कि खुरदरे किनारे वाले फूले हुए टुकड़े होते हैं। और सातवें होते हैं बिल्कुल पानी की तरह, जब आपको लूज मोशंस हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं, तो उसको भी मल का ही एक प्रकार कहा जाता है। अब ये जो कब्ज की शिकायत होती है ये क्यों होती है। देखिए, ये जब होती है जब हमारे शरीर में रेशे की कमी आ जाती है। जैसे अगर हम ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, पानी पीने के लिए हमें टाइम नहीं मिलता है, तब ये हो जाती है। दूसरे नंबर पर, अगर हम सिर्फ सूखी सब्जी खाते हैं, रेशेदार सब्जी अगर हम नहीं खाते हैं, तब भी हमें कब्ज की परेशानी हो जाती है। तीसरा है कि यदि हम बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते हैं तब हमें कब्ज की परेशानी हो जाती है। हमेशा बाहर का ही खाना खाते हैं तब भी हमें कब्ज की परेशानी हो जाती है। पतला होने के लिए अगर हम खाने को छोड़ देते हैं तब भी हमें कब्ज की परेशानी हो जाती है। शौच में सही से ना बैठने की वजह से भी हमें कब्ज हो जाती है। शौच में कैसे बैठना चाहिए, अगर ये आपको जानना है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब आप शौचालय में फॉरनर सीट होती हैं उन पर बैठते हैं तब भी आपको कब्ज की समस्या होती है, तो शौच में कैसे बैठें इसके लिए आप मेरी वीडियो देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कब्ज की जो परेशानी है उसको ख़त्म करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए, रेशेदार फल और सब्जियां खाइए, व्यायाम कीजिए। अब मैं कुछ घरेलू उपाय बताती हूँ जिससे कि आपको जो कब्ज की शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, सबसे बेहतरीन जो उपाय है वो है त्रिफला पाउडर। आपको कितनी भी ज़्यादा कब्ज हो, खाना खाने के बाद 1/2 चम्मच त्रिफला पाउडर दूध के साथ रात को सोते समय लेके सो जाइए, आपका पेट सुबह बिल्कुल साफ हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको
कब्ज की दिक्कत है तब आप क्या करेंगे, इसबगोल की भूसी लेंगे जो कि आपको किसी भी परचून की दुकान पर मिल जाएगी, उसे क्या कीजिए पूरा एक पैकेट लीजिए, उसे खा लीजिए और ऊपर से गरम गरम दूध पी लीजिए, आपको कब्ज की जो परेशानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आता है कि जो पपीता है वो सबसे अच्छा फल है कब्ज को ख़त्म करने के लिए, तो आप पपीता भी ले सकते हैं, उसमें काला नमक लगाइए और सुबह खाना खाने से पहले यानी नाश्ता करने से पहले आप कम से कम 250 ग्राम पपीता काला नमक या सेना नमक डालकर खा लीजिए, आपको कब्ज की जो शिकायत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चौथा आता है अमरूद। अमरूद में भी कब्ज नाशक तत्व होते हैं जो कि कब्ज को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, अगर खाना खाने के बाद आप एक अमरूद नमक डालकर खाते हैं तो इससे आपकी कब्ज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यदि आपको कब्ज की दिक्कत है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फल और सब्जियां खानी हैं आपको। देखिए जूस वो पी सकते हैं जिनको दांत नहीं है या फिर जो चबाने में असमर्थ हैं, जिन फलों को बिना जूस निकाले खा सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा यही है कि आप फलों को खाइए जूस पीने की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इस जब आप फल खाते हैं तो फाइबर भी आपके शरीर में जाता है जो कि मल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। छठे नंबर पर आता है अलसी के बीज। यदि आप क्या करते हैं कि एक चम्मच अलसी के बीज लीजिए, उसे पीस लीजिए और उसके बाद गुनगुने पानी के साथ उन बीजों को खा लीजिए। ऐसा अगर आप 2 से 3 महीने तक करेंगे तो आपकी जो कब्ज की शिकायत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि यदि आप दिन में 4 कप बिल्कुल गर्म पानी पीते हैं, जैसे कि आप चाय पीते हैं, तब भी आपको जो कब्ज की शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। और गुनगुना पानी यदि आप सुबह कागासन में बैठकर शौच जाने से पहले पीते हैं तब भी आपको कब्ज की शिकायत ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट मैं बताऊँगी कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल, यदि आपको कब्ज की शिकायत है तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच अरंडी का तेल डालिए और उसे रात को सोते टाइम पी लीजिए, उससे आपकी कब्ज की जो शिकायत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो थे घरेलू उपाय कब्ज को ख़त्म करने के लिए। अब आप एक्यूप्रेशर के द्वारा अपनी आंतों को कैसे साफ करेंगे वो मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे कि आपकी कब्ज बिल्कुल ख़त्म हो सके। मैं आपको बताती हूँ कि आप आंतों की सफाई कैसे करेंगे। देखिए जो है आपकी मिडिल फिंगर है, जो देखिए ये आपकी मिडिल फिंगर है और जो आपकी रिंग फिंगर है इसके बिल्कुल बीच में से आप इस वाली लाइन पे आएंगे, देखिए इस वाली लाइन पे आएंगे और इसे दबाएंगे और ऐसा आप 5 से 6 बार करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे, फिर से दबाएंगे, फिर से छोड़ देंगे। ऐसा करने से आपकी जो स्टमक प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, आंतों की सफाई करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो ये उठा हुआ भाग है और ये जो दोनों उठे हुए भाग हैं आपके हथेली के, इसके बीच में बिल्कुल बीच में यहाँ पर आंतों के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप दबाएंगे, जिससे कि आपकी आंतों की सफाई होगी। एक ये वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट और दूसरा ये वाला एक्यूप्रेशर पॉइंट। देखिए मैं आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ कि आपको कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाने हैं। एक ये वाला, दूसरा यहाँ पर और यहाँ पर, ये देखिए ये तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दबाने हैं जो कि आपकी हथेली में। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो आंतें हैं वो अच्छे से साफ हो जाएंगी और जो आपको कब्ज की परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, देखिए जो आपका ये हाथ है इसमें जो, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, जो आपका यहाँ पे ये जोड़ है, इस जोड़ से सही, देखिए ये 4 उंगल छोड़ के चौथे उंगल पर आप यहाँ पर ऐसे प्रेस करेंगे, या तो ऐसे करके मसाज कीजिए या ऐसे करके प्रेस कीजिए और इसे छोड़ दीजिए।
फिर से यहाँ प्रेस कीजिए और छोड़ दीजिए। ऐसा आपको 5 से 6 बार करना है और दिन में 2 बार करना है, तो क्या होगा कि आपकी जो कब्ज की परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। ये थे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिससे आप अपनी कब्ज की शिकायत खत्म कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।